जरायम की दुनिया का किंग और माफिया डॉन अतीक अहमद और इसके भाई अशरफ की हत्या के बाद एक ऐसी माफिया क्वीन ने चकिया की गद्दी संभालने की तैयारी कर ली है, जो प्रयागराज से लेकर पूर्वांचल और यूपी में दहशत का दूसरा नाम बनने का ख्वाब देख रही है। इस लेडी डॉन का नाम है शाइस्ता परवीन, वही मोस्ट वांटेड शाइस्ता जो अब तक अंडरग्राउंड है, पुलिस से छिपती छिपाती भाग रही है। लेकिन शाइस्ता ने अतीक के काले साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेने का पूरा प्लान बना रखा है। उधर सूत्रों की माने तो उमेश पाल शूटआउट केस में फरार चल रही शाइस्ता पर पुलिस इनाम की राशि बढ़ाने की तैयारी में है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 50,000 से इनाम बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया है। बेटे असद के एनकाउंटर और अतीक अशरफ की हत्या के बाद भी दोनों मौकों पर शाइस्ता सामने नहीं आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता अतीक के सबसे भरोसेमंद और खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के साथ है। यूपी के कौशाम्बी जिले में शाइस्ता परवीन की तलाश में कई जगह छापेमारी की गई। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को सूचना मिली थी कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन गंगा के तराई वाले इलाके के गांव में छिपी हो सकती है, जिसके बाद पुलिस ने संदिग्ध घरों की तलाशी ली। थाना संदीपन घाट क्षेत्र के पलाना और उसके आसपास के गांव कछार और खेतों में बागों बगीचों में आज एक सर्च ऑपरेशन हम लोगों ने चलाया था, जो उच्चाधिकारियों के निर्देश पे था। इसमें हम लोगों को कुछ अपराधियों के छुपे होने की भी सूचना। इस बीच गुड्डू बम्बाज का नया वीडियो सामने आया है। प्रयागराज में दिन दहाड़े हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है। पुलिस को बरेली जेल का वो सीसीटीवी फुटेज मिला है, जो आप भी इस वक्त साफ साफ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में असद गुलाम उस्मान और गुड्डू मुस्लिम अतीक के भाई अशरफ से मिलने जेल पहुंचे थे। जेल में घुसते ही सफेद रंग की शर्ट पहने और नीले रंग की जींस में दिखाई दे रहा शख्स ही गुड्डू मुस्लिम है, जबकि उसके दूसरे साथी भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 11 फरवरी का बताया जा रहा है। मतलब ये कि उमेश पाल की हत्या की पूरी प्लानिंग 11 फरवरी को ही इसी जेल में बनी थी। एसआईटी के लिए ये वीडियो उमेश पाल हत्याकांड में अहम कड़ी साबित हो सकता है। एसटीएफ और पुलिस को कई बार गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन मिली, लेकिन हर बार वो पुलिस टीम के पहुंचने से पहले ही फरार हो जाता है। अजमेर में तो बम्बाज गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी की भी अफवाह उड़ी थी। पुलिस दिन रात गुड्डू मुस्लिम की तलाश में जुटी है। प्रयागराज के चकिया स्थित उसके घर पर ताला लगा है। पुलिस उसके कई करीबियों को पकड़कर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उसकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता। 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर जब गुड्डू मुस्लिम को मिली तो वो अजमेर से महाराष्ट्र के नासिक पहुंचा और छोटा राजन गैंग की मदद से प्रयागराज और कौशाम्बी के सटे गांव में पनाह ली थी। वो इतना शातिर है कि पुलिस को चकमा देने के लिए मोबाइल में सिम कार्ड का इस्तेमाल ना करके वाईफाई कनेक्ट कर सिर्फ छोटा राजन गैंग के संपर्क में है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों से संपर्क कर भी शाइस्ता परवीन को सरेंडर कराने की फिराक में है। माफिया डॉन अतीक अहमद ने लोगों को डर और खौफ दिखाकर न केवल करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था। हत्या से पहले जब अतीक अहमद जेल में बंद था, वो जेल से ही प्रयागराज के व्यापारियों और बिल्डरों को भी धमकाता था। इसके अलावा उसकी पत्नी शाइस्ता को भी मेयर का चुनाव लड़वाने के लिए बीएसपी से टिकट लगभग फाइनल होने के बाद उसकी धमकियों का सिलसिला बढ़ गया था। एसटीएफ के सूत्रों के मुताबिक रंगदारी की रकम मांगने के एक बैंक खाते की जानकारी भी सामने आई है, इसलिए एसटीएफ अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इस बीच उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने इस बात का खतरा और आशंका भी जताई है कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम जिस तरह अभी तक फरार हैं, ऐसे में उनके परिवार को जान का खतरा बना रहेगा। जया पाल का कहना है कि शाइस्ता ही उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड है और उसने शूटर्स को बाहर से सारी मदद की और इस पूरे प्लान को अंजाम दिया।